यस बैंक और उदयपुर सीमेंट में से सर कौन सा शेयर बाई करो, ये जानना चाहती थी। पीएनबी, यस बैंक और उदयपुर सीमेंट, जी इनमें से कौन सा बेटर? अरे ये हस्बैंड ने दिए क्या रिसर्च करके? सर नहीं, पीएनबी और उदयपुर तो सर मेरा है, सर यस यस बैंक बैंक हस्बैंड का लिए है। जी। राजेश सर, यस बैंक फटने वाला है ऐसा हस्बैंड की रिसर्च कहती है। तीनों में से आप किसी में पैसा लगाओगे क्या? पीएनबी, यस बैंक या उदयपुर सीमेंट? देखिए तीनों रिस्की बैठे, मैं कहना चाहूंगा। पीएसयू बैंक की बात की जाए तो कुछ एसेट क्वालिटी में सुधार, एनसीएलटी से पैसे वापस आए, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हुई, बोल के सारे ही पीएसयू बैंक चलने लगे। बट उसमें मैं बेहतर चॉइस बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, इवन कैनरा बैंक को मानता हूँ। यस बैंक फिर एक लॉटरी कॉल की तरह है, पिछले 2-3 क्वार्टर्स से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट हम सब जानते हैं क्या क्या दिक्कतों में वो फंसी हुई है, चले चले नहीं चले, तो थोड़ी सी रिस्की बैट वो भी है। इवन दैट स्टैंड फॉर उदयपुर सीमेंट टू, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं। बेटर होंगे कि थोड़े आप स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में जाएं, बैंकिंग में जैसे हमने बताया आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उन तीनों में कोई एक चुन ले। यस बैंक को इस वक्त छोड़ दें, या फिर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी हो जहाँ आपको थोड़ा रिस्क ले सकती हो, तो एक छोटा पोर्शन पोर्टफोलियो का उसमें रख सकती हैं। सीमेंट में मेरे ख्याल से आपको बिरला कॉर्प या डालमिया भारत या इवन अंबुजा के साथ जा सकती है। नहीं तो मैम, अब आपको डिसाइड करना है, हस्बैंड की सुननी है कि राजेश जी की सुननी है। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।